मायापुरी न्यूज में आपका स्वागत है, मैं हूं छवि। आइए देखते हैं बॉलीवुड की खबरें फटाफट। शादी के 9 साल बाद सलमान से रिश्ते पर शिल्पा ने तोड़ी चुप्पी। 53 साल के हो चुके सलमान खान कब शादी करेंगे, सवाल का जवाब कोई नहीं जानता। जब भी सलमान से ये सवाल पूछा जाता है वो अपने तरीके से इसे टाल देते हैं। यहाँ तक उनके परिवार वाले भी नहीं जानते हैं कि भाईजान कब शादी के बंधन में बंधेंगे। सलमान खान हमेशा से अपने अफेयर्स को लेकर चर्चा में रहे हैं। उनका नाम कई एक्ट्रेस के साथ जुड़ चुका है। कभी सलमान खान की गर्लफ्रेंड कही जाने वाली शिल्पा शेट्टी ने अपने और सलमान के रिश्ते को लेकर चुप्पी तोड़ी है। 90 के दशक में सलमान खान और शिल्पा शेट्टी के अफेयर को लेकर खूब चर्चा थी। उन दिनों दोनों अक्सर साथ में स्पॉट किए जाते थे। दोनों का रिश्ता किसी मोड़ पर नहीं पहुंचा, इसलिए शिल्पा शेट्टी ने बिजनेसमैन राज कुंद्रा से शादी कर ली। शादी के करीब 9 साल बीत जाने के बाद शिल्पा शेट्टी ने सलमान खान और अपने रिश्ते को लेकर अपनी चुप्पी तोड़ी है। शिल्पा ने बताया कि सलमान अक्सर उनके घर आते थे और रात में रुकते थे। कभी कभी सलमान उनके पिता के साथ ड्रिंक्स भी लेते थे। शिल्पा शेट्टी ने कहा, मुझे याद है कि जब पापा की डेथ हुई थी तो सलमान घर आए और सीधे बार टेबल के पास गए। इस टेबल पर ही पापा और सलमान साथ में ड्रिंक्स किया करते थे। पुराने दिनों को याद कर सलमान रोने भी लगे थे। सलमान खान और शिल्पा शेट्टी की जोड़ी कई फिल्मों में नजर आ चुकी है। जेडन स्मिथ के शो में शामिल होंगे प्रियंका और निक। शादी करने के बाद से प्रियंका चोपड़ा और निक जोनस की जोड़ी पूरी दुनिया में चर्चा में है। इन दोनों की अमेरिका और लंदन की तस्वीरें अभी तक सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। अब खबर आ रही है कि ये जोड़ी जल्द ही अगले महीने भारत आ सकती है। दरअसल 16-17 फरवरी को होने वाले VH1 सुपरसोनिक 2019 फेस्टिवल में जेडन स्मिथ भारत में अपनी पहली परफॉर्मेंस देने जा रहे हैं और निक भी विल स्मिथ के साथ इस रैपर बेटे के अच्छे दोस्त हैं। माना जा रहा है कि जेडन की भारत में इस पहली परफॉर्मेंस के समय निक उनके साथ मौजूद रहेंगे। हालांकि पहले ऐसा माना जा रहा था कि निक भी इस फेस्ट में परफॉर्म करेंगे, लेकिन अब कहा जा रहा है कि निक केवल ऑडियंस के तौर पर यहां मौजूद रहेंगे। भोपाल से लोकसभा चुनाव लड़ेंगी करीना कपूर। कांग्रेस के कुछ पार्षदों ने भोपाल लोकसभा सीट जीत का फॉर्मूला निकाला है। इन्होंने मांग की है कि भोपाल संसदीय सीट से किसी नेता को नहीं बल्कि बॉलीवुड अभिनेत्री करीना कपूर खान को टिकट दी जाए। दरअसल भोपाल संसदीय सीट पर कई साल से बीजेपी का एक छत्र राज चल रहा है, जिसे ढहाने के लिए करीना कपूर खान मुफीद उम्मीदवार रहेंगी। युवाओं में करीना कपूर की अच्छी फैन फॉलोइंग है और करीना युवाओं का वोट हासिल कर पाएंगी। करीना क्योंकि पटौदी खानदान की बहू है, इसलिए कांग्रेस को पुराने भोपाल में भी इसका फायदा मिलेगा। इसके अलावा महिला होने के नाते करीना महिलाओं के भी अच्छे खासे वोट लेने में कामयाब हो सकती हैं। आपको बता दें कि करीना के पति सैफ अली खान का भोपाल से पुश्तैनी संबंध है। पटौदी परिवार बरसों से भोपाल में रह रहा है और सैफ, करीना, शर्मिला टैगोर और सोहा अली खान कई बार भोपाल भी आ चुके हैं। ऐसे में कांग्रेसी पार्षद पटौदी परिवार की लोकप्रियता को लोकसभा चुनाव में भुनाने की बात कर रहे हैं। मुंबई में खुला देश का पहला सिनेमा संग्रहालय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुंबई में देश के पहले सिनेमा संग्रहालय का उद्घाटन किया। इस संग्रहालय में भारतीय सिनेमा की एक तस्वीर पेश की गई है। ये 4 सालों में करीब 140 करोड़ रुपए की लागत से बनकर तैयार हुआ है। इस म्यूजियम में फिल्म निर्माण तकनीक से लेकर भारतीय सिनेमा की 100 साल की यात्रा दिखाई गई है। फिल्मकार श्याम बेनेगल की अध्यक्षता में संग्रहालय सलाहकार समिति बनाई गई थी। देश का ये अपने तरह का इकलौता संग्रहालय है। ये 2 इमारतों, नवीन संग्रहालय भवन और 19वीं शताब्दी के ऐतिहासिक महल गुलशन महल में स्थित है। इस संग्रहालय में 4 प्रदर्शनी हॉल हैं। भारतीय सिनेमा नाम के हॉल में देश भर के सिनेमा संस्कृति को दिखाया गया है। गुलशन महल ASI ग्रेड धरोहर संरचना है। यहाँ पर भारतीय सिनेमा के 100 वर्ष से अधिक की यात्रा दर्शाई गई है। इसे 9 वर्गों में विभाजित किया गया है। संडे एंजॉय करते नजर आए बॉलीवुड स्टार्स। मलाइका अरोड़ा संडे के दिन येलो मैक्सी ड्रेस में नजर आई। मुंबई के मशहूर रेस्टोरेंट में दोस्तों संग पार्टी करते हुए मलाइका स्पॉट हुई। दिशा पटानी इन दिनों फिल्म भारत की शूटिंग कर रही हैं। फिल्म की शूटिंग से समय निकालकर संडे को दिशा पिंक ड्रेस में नजर आई। दिशा के साथ टाइगर श्रॉफ स्पॉट हुए। दोनों का रिलेशनशिप चर्चा में बना हुआ है। आलिया भट्ट संडे के दिन सैलून के बाहर नजर आई। आलिया पीले रंग के कुर्ते में नो मेकअप लुक में खूबसूरत नजर आ रही थी। दीपिका इन दिनों फिल्म छपाक पर काम कर रही हैं। उनकी पिछली फिल्म पद्मावत रही थी। जानवी कपूर सफेद रंग के कुर्ता पजामा में खूबसूरत नजर आई। दोस्तों के साथ हैंगआउट पर निकली जानवी इन दिनों फिल्म तक की शूटिंग में बिजी हैं। मां अमृता सिंह के साथ थाने पहुंची सारा अली खान। फिल्म अभिनेत्री सारा अली खान अपनी मां अमृता सिंह के साथ शनिवार को अपने मामा की शोक सभा में शामिल होने देहरादून पहुंची थी।
जहां शोक सभा में शामिल होने के बाद शाम को वो देहरादून के थाना क्लेमेंट टाउन पहुंची। यहां पहुंचकर अमृता सिंह और सारा अली खान ने पुलिस में शिकायत की है कि यहां उनके मामा अकेले रहते थे और यहां उनकी करोड़ों की जमीन है। ऐसे में उन्हें डर है कि खाली पड़ी जमीन देखकर उस जमीन पर भूमाफिया कब्जा कर सकते हैं। ऐसे में उन्होंने पुलिस को एक प्रार्थना पत्र सौंपा है जिसमें उन्होंने अपने मामा की प्रॉपर्टी को भूमाफियाओं से बचाने की अपील की है। बता दें, अमृता सिंह के भाई मधुसूदन बिमल का शनिवार सुबह कैंसर के चलते उनके क्लेमेंट टाउन स्थित निवास में देहांत हो गया था, जिसमें शामिल होने के लिए सारा अली खान अपनी मां अमृता सिंह के साथ देहरादून पहुंची थी। ऐसे में मामा की प्रॉपर्टी पर कोई बाहरी व्यक्ति कब्जा ना करे, इसके लिए पुलिस को पत्र देकर सूचित किया गया है। पति पत्नी और वो के रीमेक में कार्तिक सर नजर आएंगे भूमि पेडनेकर और अनन्या पांडे। फिल्म पति पत्नी और वो के रीमेक की खबरें इन दिनों चर्चा में हैं। इस फिल्म के रीमेक के लिए स्टार कास्ट फाइनल कर ली गई है। संजीव कुमार की क्लासिक फिल्म के रीमेक में कार्तिक आर्यन, भूमि पेडनेकर और अनन्या पांडे नजर आएंगे। प्रोडक्शन हाउस टी सीरीज ने हाल ही में बताया कि वो कई फिल्मों पर डील करने के लिए साथ आ रहे हैं। दोनों की पार्टनरशिप में बनी पति पत्नी और वो पहली फिल्म होगी। फिल्म में कार्तिक पहली बार भूमि और अनन्या के साथ स्क्रीन शेयर करेंगे। मुदस्सर अजीज फिल्म का निर्देशन करेंगे। फिल्म की शूटिंग फरवरी में शुरू होगी। मलाइका अरोड़ा का जिम लुक हुआ वायरल। मलाइका अरोड़ा अपने फैशन सेंस को लेकर हमेशा सुर्खियां बटोरती हैं। खासतौर पर उनका जिम लुक अक्सर वायरल होता है। उन्हें बांद्रा में जिम जाते हुए स्पॉट किया गया। इस दौरान उनका जिम लुक सोशल मीडिया पर तहलका मचा रहा है। उन्होंने व्हाइट कलर की टी शर्ट को ब्लैक कलर के पैंट के साथ टीम अप किया हुआ था। इस लुक में वो बेहद ही स्टनिंग लग रही थी। उन्होंने अपने लुक को कम्प्लीट करने के लिए न्यूट कलर की लिपस्टिक लगाई हुई थी, साथ ही बाल खुले किए हुए थे। इस दौरान सबसे ज्यादा जो चर्चा में रहे वो थे उनके जूते। एंटरटेनमेंट पोर्टल के मुताबिक मलाइका ने जो बूट पहने हुए थे उनकी कीमत तकरीबन 1 लाख है। उनका ये लुक देखते ही बनता है। पर्सनल लाइफ की बात करें तो मलाइका अरोड़ा और अर्जुन कपूर के रिलेशनशिप की खबरें चर्चा में हैं। दोनों को अक्सर साथ में स्पॉट किया जाता है, हालांकि दोनों की ओर से इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। बॉलीवुड में अनिल कपूर ने पूरे किए 40 साल। फिल्म अभिनेता अनिल कपूर को हिंदी सिनेमा में 40 साल हो गए हैं। उन्होंने वर्ष 1979 में अभिनय की दुनिया में कदम रखा था। तब से अब तक अनिल ने अपनी फिल्मी करियर में एक से एक हिट फिल्में दी हैं। आज भी अनिल फिल्म इंडस्ट्री में बिजी कलाकारों की सूची में शुमार हैं। अनिल की एक्टिंग करियर के 40 साल होने पर उनकी बेटी सोनम कपूर ने पति आनंद आहूजा संग सोशल मीडिया पर इस मौके पर कुछ तस्वीरें शेयर कर इसे सेलिब्रेट किया है। गौरतलब है कि अनिल कपूर की बड़ी बेटी और अभिनेत्री सोनम कपूर ने इंस्टाग्राम अकाउंट पर अनिल कपूर की कुछ तस्वीरें शेयर कर कैप्शन में लिखा, 40 साल और आगे बढ़ना, अगले दशक के लिए भी बढ़ते रहना है। इतना ही नहीं, अनिल कपूर ने भी इससे पहले अपने ट्विटर अकाउंट पर अपने फिल्मी सफर का एक वीडियो शेयर किया था। इसके साथ ही उन्होंने लिखा, 10 ईयर चैलेंज को भूल जाओ और एक ही चैलेंज का सामना करो। आज गीता बाली की पुण्यतिथि है। 50 के दशक की पॉपुलर एक्ट्रेस गीता बाली ने 12 साल की उम्र में पहली फिल्म द कॉबलर की। उनका असली नाम हरी कीर्तन कौर है। साल 1946 में उन्होंने फिल्म बदनामी में हीरोइन का किरदार निभाया। गीता बाली ने 10 साल के करियर में करीब 70 फिल्में की। गीता बाली ने एक्टर शम्मी कपूर के साथ शादी की। उस वक्त तक कपूर खानदान के सदस्य किसी एक्ट्रेस से शादी नहीं करते थे। एक ओर पृथ्वीराज कपूर तो दूसरी ओर गीता बाली के परिवार वाले भी शादी के लिए राजी नहीं थे। घर वालों के नहीं मानने पर गीता बाली और शम्मी कपूर ने मंदिर में शादी का फैसला किया। परिवार वालों के खिलाफ दोनों ने मंदिर में फेरे ले लिए। शम्मी कपूर ने जब शादी की बात घर वालों को बताई तो काफी समय तक तो उनसे बात ही नहीं की गई। समय बीतने के साथ दोनों के घर वाले माने शम्मी और गीता बाली की शादीशुदा जिंदगी खुशनुमा चल रही थी। इसी बीच गीता को चेचक की बीमारी हो गई। शादी के 10 साल बाद ही उन्हें ये बीमारी हो गई। 1965 में 21 जनवरी को गीता बाली की मौत हो गई। महज 35 साल की उम्र में उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया, जिसके बाद शम्मी कपूर बुरी तरह टूट गए और उनका वजन भी बढ़ गया। फिल्मों में शम्मी कपूर के करियर का ग्राफ यहाँ से गिरता ही चला गया। मायापुरी न्यूज में इतना ही। कुछ देर में फिर हाजिर होंगे बॉलीवुड की तमाम अपडेट्स के साथ। देखते रहिए मायापुरी कट। बॉलीवुड की अपडेट्स और गॉसिप न्यूज के लिए मायापुरी कट सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे अपडेट्स जानने के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस करें।